हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रेशन एनर्जी, लेटाइस एनर्जी और साथ साथ रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडेशन पावर के बारे में पढ़ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर मूवमेंट करूँगा तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था, आपका क्या बढ़ता था बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर। और मैं अगर डाउन टू ग्रुप में बात करता था, अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करता था तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था, तो आपका क्या बढ़ता था बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर। लेकिन अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूँगा और यहाँ पर बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम टू टॉप अगर मैं मूवमेंट करूँगा नीचे से ऊपर, तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ पर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, नॉन मेटालिक लिख दिया बच्चों, इसको ध्यान से समझना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से तो ध्यान से समझना, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ध्यान से, मेटालिक कैरेक्टर अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, तो बोल सकते हैं हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर बात कर दिया नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर आपका बढ़ेगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूंगा सिंपल एज एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ बच्चों। जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया कि क्या, अब समझना बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ले लिया लिथियम ऑक्साइड और यहाँ पर B2O3 और यहाँ पर NO2। अब देखो, अगर मैं देखूंगा तो लिथियम हमारा इस तरफ है और आपका नाइट्रोजन, जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा तभी हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पर तभी आपका इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूँगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपका नॉन मेटल है। और आप लोग जानते हो जैसा कि लिथियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, इसके हिसाब से देखोगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ, अगर आपका यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से बढ़ेगा, यहाँ पर किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा बच्चों मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ का। जस्ट अगर मैं रिवर्स करूँगा तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का आ जाएगा। नाउ सेकंड एग्जांपल में बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखते बच्चों यहाँ पर, कि अगर मैंने बात कर दिया LI, यहाँ पर मैंने बात किया BEO, MgO और CaO। देखो डाउन द ग्रुप अब हम मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं बच्चों, डाउन द ग्रुप। अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपका बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम इस तरीके से, फिर आपका कैल्शियम, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर। और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से यहाँ पर आपका कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक आपका बेसिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो कि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड हमेशा आपके बेसिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो आपके एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। Some oxide are having a property. Some oxides are acidic as well as basic. These type of oxide
दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उस ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ ऑक्साइड आपके बेसिक के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टी भी डिटेल करते हैं, तो वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बी ई ओ आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, Al2O3, ठीक है। देन आफ्टर ZnO आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ZnO आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, आपका SnO आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, PbO आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, PbO2 आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पर Sb2O3 भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल आप लोग क्या रख सकते हो बच्चों? याद रख सकते हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इट कैन शो एसिडिक प्रॉपर्टी एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आपने पढ़ा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब भी मैं वाटर के साथ करता हूँ या फिर NaOH के साथ करता हूँ, तो आपका क्या बनता था? सोडियम में मेटा एल्यूमिनेट। अगर मैं एल्यूमिनियम L2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ कराता तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इस तरीके का आपका कंपाउंड बनता था। आप लोगों ने NCERT में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इस तरीके का आप लोगों का कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि एग्जाम्पल में मैंने ले लिया यहां पर B2O3 CO2 और मैंने यहां पर ले लिया N2O5, विच वन इज मोर एसिडिक? अब देखो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो यहां पर बेरिलियम का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो तो बच्चों आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों? यहाँ पर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ जाएगा। आपका कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड के नॉन मेट वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। लेकिन अगर मैंने एक और एग्जांपल दिया, देखो सिंपल SO2 SeO2, ठीक है, TeO2, ठीक है। अब मेरे पास ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा बताओ? डाउन द ग्रुप जाएंगे, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सल्फर ऊपर होता है, एसी नीचे होता है, टी नीचे होता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पर आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब आपका क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड अगर आपका इंक्रीज कर गया, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? इसका मतलब हम अगर सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा और सबसे लीस्ट बेसिक ये होगा, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर से इधर मैं मूव करूँगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जस्ट उल्टा हमको डील करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो कुछ ऑक्सी एसिड के भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, सम ऑक्सी एसिड्स। अभी मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, बस आप लोगों को आगे भी पढ़ने को मिलेगा। तो नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड, देखो यहाँ पर ऑक्सी एसिड, अब जनरली हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सी एसिड एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ इन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। बात को ध्यान से समझना, ऑक्सी एसिड क्या होता है बच्चों? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ आपका ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप आपका क्या हो बच्चों? ऑक्सी एसिड। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँगा, तो यहाँ पर HClO, HClO2, HClO3,
एंड HClO4। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ HNO2 एंड HNO3। अब आपको बोला जाए कि विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज लेस एसिडिक, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सी एसिड के लिए, ऑक्सी एसिड के लिए आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात को ध्यान से समझिए, ये आपका क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे तो यहां पर +1 x और ये आपका -2 और यहां पर आपका 0, तो टोटल अगर मैं करूंगा तो x+1, यहां पर क्या हो जाएगा, x+1 -2 = 0, देन x = क्या हो जाएगा बच्चों, +1, ठीक है। x = क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर +1, ठीक है, x = क्या आ गया, +1। इसी तरीके से आप इसका भी निकालोगे, निकाल के देखना, आप लोग खुद से कोशिश करना, +3 आएगा, इसका निकालोगे तो +5 आएगा, इसका निकालोगे तो +7 आएगा, निकाल के नहीं देखना। इसका एक और बार मैं बता देता हूँ बच्चों ताकि आपको सिंपल हो जाए, हाइड्रोजन आपका +1 स्टेट में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आपका +1 स्टेट में होता है, Cl आपका x हो जाएगा, ठीक है, Cl का तो निकालना है इसलिए x हो जाएगा, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, -2, टोटल इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा बच्चों, x, ये वाला +1 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर -6 = 0, देन फाइनली आपको क्या दिख जाए, ऑप्टेन होगा x = +5, इसको वहां मूव करेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा है बच्चों, इसका ज्यादा है, तो इसका आपका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डील करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करना बच्चों, यहां से यहां मूव करेंगे तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इसका +5, इसका +3, तो जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी वो बढ़ता है, चाहे वो ऑक्सी एसिड के केस में भी मैं ले लूं, चाहे वो मैं किसी के केस में, ऑक्सी एसिड एज वेल एज मैं आपके ऑक्साइड के केस में भी मैं इसको ले लेता हूँ, ऑक्साइड के केस में भी मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ध्यान से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर काफी इजी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर जैसे मैंने बात कर लिया Sb2O3 एग्जाम्पल, समझना Sb2O3 और Sb2O5, अब बताओ बच्चों दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा है, Sb का निकालो, यहाँ पर 2x+3 ऑक्सीजन के ऊपर -2 = 0, नाउ 2x+6 = 0, नाउ x = कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर -6 आएगा, x = कितना आ जाएगा, +3। अब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर 2x+3 -5 -2 = 0, देन 2x = 10, देन x = 5, विच वन किसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसका आपका ऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ बच्चों, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से समझना, जैसे मैंने बात किया यहाँ पर H2SO4, H2SO4 एंड H2SO3। अब देखो जनरली मैं देखो यहाँ पर फिर से X सल्फर का निकालेंगे, आप लोग खुद से निकालना, H के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -2, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो चार ऑक्सीजन के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक और बार समझो, ये दो हाइड्रोजन है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, ठीक है, तो यहां पर आपका x, यहां पर 4, यहां पर -2 = 0, नाउ आपका क्या हो जाएगा, 2+x - 8 = 0, नाउ x = +6, यहां पर आपका आएगा +6 और यहां पर आपका आएगा +4, तो यहां से यहां मूव करेंगे तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से कहां मैक्सिमम होगा बच्चों, इस तरफ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इस तरफ आपका ज्यादा हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड एक और
एक और क्वेश्चन हम देख लेते ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर मैंने बात किया यहां पर अगर मैंने बात किया एक और एग्जांपल N2O NO NO2 और N2O3 एंड N2O5 विच वन इज मोर एसिडिक, तो कैसे निकालेंगे? यहां पर 2x ऑक्सीजन का 1 है, माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू प्लस 1, यहां पर इसका प्लस 1 आ गया, यहां पर इसका प्लस 2 आएगा, यहां पर इसका प्लस 4 आएगा, यहां पर इसका प्लस 4 आएगा, यहां पर इसका प्लस 3 आएगा, यहां पर इसका प्लस 5 आएगा। आप लोग खुद से निकालना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में कैसे करूंगा? इसको मैंने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी, इसको बोला मैंने ई। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में किस तरीके से जमाऊंगा? ई का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का, उसके बाद आपका बी का, उसके बाद ए का। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को अरेंज करना है, ठीक है? यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आई होप कि कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? अब इस तरीके से हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, और या फिर हम बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे इसका उल्टा कर देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ आप लोगों को आ जाएगा बच्चों, ठीक है? बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। और साथ साथ आपका कुछ ऑक्साइड होते हैं जो आपके न्यूट्रल बिहेवियर के होते हैं, ठीक है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, कुछ आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है? सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल इन, लिखा देता हूं बच्चों, बंद हो जा, ठीक है? सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल आपके क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आपके न्यूट्रल होते हैं? आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, CO H2O, CO H2O, N2O और NO, ये आपके क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल, जो आपको ध्यान रखना है। अक्सर पूछा गया है जेई में कि विच वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड, तो आपको इन चारों के नाम याद रहेंगे तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हो कि न्यूट्रल ऑक्साइड आपका क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमारा ऑक्साइड की प्रॉपर्टी पूरी अच्छे से खत्म हो गई है बच्चों। ऑक्साइड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नाउ बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझना, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा क्या होता है? काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, देख लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा क्या होता है बच्चों। यहाँ पर हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट अब देख लो, ध्यान से समझना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? आगे भी इनऑर्गेनिक में काफ़ी यूज आएंगे बच्चों। मैं बार बार सिमिलर टर्म्स बोलता जाऊंगा जो आपको याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल आपको क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे इनऑर्गेनिक में आप आगे की ओर मूव करोगे, आपको पीरियोडिक टेबल अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है? पीरियोडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टीज। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है? अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैंने लिया ग्रुप 14, ग्रुप 15, जनरली आपको किस में देखा जाएगा? ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाएगा, ठीक है? जनरली ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 आपका क्या होगा, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाएगा, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है? यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, BI, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अब आपसे कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ठीक है? यह आपका है बच्चों, ग्रुप 15 बनाया, ग्रुप 16 बनाया। अगर मैं इसका देखना चाहूँ कि जनरली
इसका मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा बच्चों? अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात को समझना बच्चों, इसका क्या होगा, NS2 NP1, सॉरी NP2 NS2 NP2, इसका क्या होगा NS2 NP3, इसका क्या होगा NS2 NP4, ये आपका जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हो जाएंगे, क्लियर है बात, ठीक है, ये आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके हो जाएंगे। अब बात को ध्यान से समझना है मुद्दे को हमको, कि ये आपका NS2 NP2, ये आपका NS2 NP3, ये आपका NS2 NP4, मजेदार बात है बच्चों। देखो ये आपका होता है सेकंड पीरियड, ये आपका क्या होता है बच्चों थर्ड पीरियड, ये आपका क्या होता है बच्चों फोर्थ पीरियड, ठीक है, ये आपका क्या होता है फिफ्थ पीरियड, और ये आपका होता है सिक्स्थ पीरियड। तो क्या बोलना चाह रहा है बच्चों अभी तक, कि जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 ग्रुप 16, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, हाई लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल, आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैं बात करूंगा तो इसके यहाँ पर आपका लेंथेनोइड, यहाँ पर आपका एक्टिनोइड या आपका लेंथेनोइड सीरीज आ जाएगा, यहाँ पर आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ जाएंगे तो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, और यहाँ जाएंगे तो एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ से आपका डी ब्लॉक है, यहाँ से आपका एफ एंड डी ब्लॉक है। अब क्या होता है कि ध्यान से समझना, लोअर अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ग्रुप 14 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एफ पहले आएगा, डी आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 6s2 और 6p2, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एफ आपका 4f आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4f आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 5d, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f और 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अब दोनों ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो आप लोग जानते हो कि एफ और 5d और 4f और ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग पावर क्या होता है बच्चों, वीक होता है। स्क्रीनिंग पावर क्या होता है बच्चों आपका, इसका वीक होता है। तो ये क्या करेगा कि जो न्यूक्लियाई विल होल्ड 6s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, अगर इसका स्क्रीनिंग पावर अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई आपका क्या करेगा 6s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो इस पर क्या होगा बच्चों, इस पर आपका मैक्सिमम क्या लग जाएगा, जेड इफेक्टिव, मतलब न्यूक्लियाई इस पर इजीली फोर्स लगा सकता है, न्यूक्लियाई एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इजीली देख सकता है, और इजीली देख लेगा तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उतना उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव इस पर नहीं लगेगा, इस पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि मैं यहाँ से केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूँ, वी कैन रिमूव ओनली पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ से पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता हूँ, ना तो मैं यहाँ पर मैं एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इस पर जेड इफेक्टिव मतलब फोर्स
मतलब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियाई आपके 6s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लगाएगा तो ये इसको होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वी कैन नॉट रिमूव 6s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, 6s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव नहीं कर सकता। तो यहां से केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता हूँ, दो दो इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जबकि मैं कार्बन में आपका क्या होता है बच्चों, क्या कार्बन में आपके आगे F और D होता है? नहीं होता। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत के यहां तक हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव S एंड P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हम यहाँ पर S और P ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो कार्बन में यहाँ पर +4, सिलिकॉन का +4, इसका +4, इसका +4, लेकिन इसका कौन सा स्टेबल होगा बच्चों, +2 आपका स्टेबल होगा। शो तो +4 भी करेगा, लेकिन विच वन इज मोर स्टेबल, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका +3 और +5, ठीक है, यहाँ पर आपका +3 मैक्सिमम शो करता है बच्चों, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपका +5, इसका +5 स्टेबल होगा, इसका +5 स्टेबल होगा, लेकिन इसका +3 स्टेबल होगा। इसका कौन सा स्टेबल होगा, +3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, केवल और केवल आपका किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी का। इसी तरीके से यहाँ पर आपका इसका कितना होगा बच्चों, इसका यहाँ पर इसका -2, ठीक है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका +6, यहाँ पर इसका +6, यहाँ पर इसका +6, यहाँ पर इसका +4। तो यहाँ पर +4 मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल हो रहा है। देखो ऊपर तो हायर है, नीचे लोअर है, ठीक है, ये आपका स्टेबल हो रहा है। अब मुद्दे की बात यह आती है बच्चों कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो इसके क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों, इसका क्वेश्चन ज़्यादा उतना टफ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने पूछा कि यहाँ पर PbO2 एंड PbO, विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप लोग बता सकते हो कि बच्चों यहाँ पर दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है मुझे, ये मुझे दिया हुआ है फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये मुझे दिया हुआ है सेकंड, विच वन इज मोर स्टेबल? तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +4, अभी अभी मैंने बताया, इसका +2, तो आप लोग देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा। तो विच वन इज स्टेबल, पीबीओ इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पीबीओ2। इसी तरीके से मैंने अगर बात कर ले यहाँ पर Bi2O3 और Bi2O5, ठीक है, ये आपका फर्स्ट और सेकंड। अब आपको इन दोनों में स्टेबिलिटी बताना है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी आप कैसे बताओगे बच्चों, जल्दी से बताओ, यहाँ पर इन दोनों में स्टेबिलिटी आप कैसे बताओगे? यहाँ पर इसका +5 है, यहाँ पर इसका +3 है, तो विच वन इज मोर स्टेबल, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि डाउन द ग्रुप जाने पर आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपका इनिट पेयर इफेक्ट था। तो इस तरीके से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट पूरा खत्म होता है बच्चों। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी और लैटाइस एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं लैटाइस एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, लैटाइस एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस आ सकते हैं, बस आप लोग जान लो इसको अभी आप लोग जान लो। आपको सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे की ओर मूव करोगे, तो हर पीरियोडिक ट्रेंड आपके कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 times आपका रिपीट होगा। जब आपका ये आपका 3 to 4 times रिपीट होगा, तब आप लोग इजीली समझ सकते हो बच्चों कि इसका पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड आप लोग किस तरीके से करोगे, ठीक है, इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेटाइस एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेट द लेटाइस एनर्जी ऑफ एन ए सी एल क्रिस्टल सिस्टम
NaCl क्रिस्टल सिस्टम, कैलकुलेट द लैटाइस एनर्जी ऑफ NaCl क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म, ठीक है, फॉर्म फॉलोइंग डेटा, फॉर्म फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा बाय बाय द यूज ऑफ बोर्न हैबर साइकिल, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, सबलीमेशन एनर्जी आपको कितनी दी गई है बच्चों, यहाँ पर सबलीमेशन एनर्जी ऑफ एनए इक्वल टू 26 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 26 किलो जूल पर मोल, किलो जूल हाँ पर ग्राम एटम कर लो इसको, किलो कैलोरी पर ग्राम एटम, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिसोसिएशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 आपको कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 54 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब आपको साथ साथ क्या क्या दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, Na का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर 117 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपको गिवन है डाटा। और आपको कौन कौन से डाटा गिवन है मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl कितना दिया हुआ है बच्चों, आपको ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 84 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। और साथ में आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर हीट ऑफ, यहाँ पर देखो ग्राम एटम दिया हुआ है, ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम एटम, अभी मैं आपको ग्राम एटम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ग्राम एटम क्या होता है आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ग्राम एटम इज इक्वल्स टू मोल हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl आपको इक्वल्स टू कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl 99 किलो कैलोरी पर मोल। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ग्राम एटम का मतलब क्या है, ग्राम एटम का मतलब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राम एटॉमिक मास, तो ध्यान से समझना बच्चों, ग्राम एटम का मतलब वन मोल से ही है, ग्राम एटम का मतलब आपका किससे रिलेटेड है बच्चों, हमेशा वन मोल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ग्राम एटम की जगह आप क्या समझ सकते हो बच्चों, इसको मोल भी समझ सकते हो, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, इसको मोल भी समझ सकते हो आप लोग। वन ग्राम एटम में क्या, वन ग्राम एटम मतलब ग्राम एटम की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, ग्राम एटम की डेफिनेशन बोलोगे वेट प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी वन मोल सब्सटेंस में कितना वेट प्रेजेंट होता है वो आपका क्या होता है, ग्राम एटम। और ग्राम एटम का मतलब आपका क्या होता है, वन मोल, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, वन मोल, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से अच्छे से समझो, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया। अब नाउ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, देखो NaCl बोर्न हैबर साइकिल के हिसाब से क्या होता है बच्चों, ये आपका सॉलिड होता है, सॉलिड से आपका यहाँ पर Na यहाँ पर Na प्लस हाफ Cl2, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक्चुअली लैटाइस एनर्जी आपकी होती क्या है, लैटाइस एनर्जी आपका देखो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में तोड़ना है आपको, किस में तोड़ना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में तोड़ने पर लैटाइस एनर्जी, नीचे की ओर जाएंगे तो लैटाइस वो एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या थी, किसी भी वन मोल आयोनिक सॉलिड, हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल आयोनिक सॉलिड इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन, मतलब वन मोल आयोनिक सॉलिड को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन में डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी आपके रिक्वायर होगी वो एनर्जी क्या होगी बच्चों,
लिटाइस एनर्जी। तो एनर्जी यहां से यहां मूव हो रही है, यहां से यहां का मैंने लिखा था डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था बच्चों आपको, NaCl2 Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, मैंने ऐसा लिखा था डेफिनेशन। दैट इज इक्वल टू व्हाट, लिटाइस एनर्जी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहां पर लिटाइस एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये ऑप्टेन करना पड़ेगा मुझे। ये ऑप्टेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ऑप्टेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर सॉलिड है और ये आपका अपने फिजिकल स्टेट गैसेस फॉर्म में, तो इसको यहाँ से यहाँ, देखो इसको मैं यहाँ से यहाँ बना देता हूँ। दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मुझे Na Na गैस मिलेगा जो कि आपका सब्लिमेशन होगा, और सब्लिमेशन की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना है बच्चों, यहाँ पर 26, यहाँ पर 26 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर Na गैस, Na प्लस गैसेज आयन में, मतलब इसको आयोनाइज करना पड़ेगा, आयोनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा हीट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो Na के लिए 117। अब देखो Cl2 के लिए, Cl2 के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपका ClCl आपका बॉन्ड में इस तरीके से अरेंज होगा। अब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पर मुझे कितने मिलेंगे, 2Cl मिल जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हाफ है, तो हाफ Cl को यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, 1 मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो आपके बॉन्ड डिसोसिएशन है। यहाँ पर कितना है, हाफ मोल ऑफ Cl2 है, तो यहाँ पर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, यहाँ पर 54 है, तो 54 मतलब ये कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर मुझे Cl गैस मिल गया, मुझे एक ही चाहिए ना। अब इसमें से मैं अगर Cl माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर -84। नाउ नाउ हम यहाँ से बॉन्ड हेवर साइकिल से कुछ इक्वेशन लिखेंगे, मतलब इससे इसको फॉर्मेशन करने के लिए मुझे इन सब पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। पहले मुझे Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस बनाना पड़ेगा। ये बनाने के बाद फिर मैं दोनों को अगर जोड़ूंगा तो U मुझे मिल जाएगा, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है बच्चों, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे यू मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों का एडिशन मुझे यू मिल जाएगा, माइनस यू। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, इक्वेशन डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू की क्या होगा, सबसे पहले सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब 26। ठीक है, फिर यहाँ पर 117 मतलब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लगा 117। नाउ यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंड एनर्जी जो कि कितना है बच्चों, 27। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना है बच्चों, -84। ठीक है, और यहाँ पर देखो यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, माइनस यू ये हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की हीट आपको दी हुई है 99। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा बच्चों, 99। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर बच्चों आपके यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर यू की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दो बच्चों, यू की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो -185। एक बार चेक कर लेना बच्चों, -185 आ जाएगी यू की वैल्यू, जो कि आपके क्या होगी, किलो कैलोरी पर। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो कैलकुलेट करते बच्चों, देखो यहाँ पर माइनस यू है, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पर माइनस यू है तो ये 99 माइनस का, ये -26, ये -117, मैंने सबका साइन चेंज कर दिया, -27, और ये आपका +84 प्लस यू, अब मैंने साइन चेंज कर दिया। अब इसको ऐसे साइन चेंज करने की बजाय मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ, देखो 99 -26 -117 -27 +84 = U। ठीक है, माइनस यू, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 99। अब देखो 26 26 26 26 कितना होता है बच्चों,
26 आपका कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करो। 26 को कैलकुलेट करेंगे तो 52 और ये एक कितना हो जाएगा 53। ठीक है, 53 में 3 यहाँ रख दिया तो 120 और 50 से ऐड करेंगे तो -170 आ जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 99 + 84। ठीक है, अगर यहाँ 96 होता, 3 हटा दी, 96 होता और ये 4 होता तो 100 180, और यहाँ से मैंने 3 हटाए थे, ठीक है 183, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यू की वैल्यू, अब यहाँ से माइनस यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब देखो इसको आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप किस में इसका कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में। तो इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा, -13 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसको जूल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे बच्चों, जूल में कन्वर्ट, किसी भी किलो कैलोरी को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर रुको, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको 99 किलो कैलोरी दिया है, या फिर आपका क्या दिया है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका -99 दिया हुआ है। ठीक है, -99 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, -99। तो यहाँ पर वैल्यू माइनस माइनस, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपकी कि क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली भी वैल्यू यहाँ पर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा वापस से। देखो ये कितना हो गया था बच्चों आपका 152, ये आपका हो गया था 180। ठीक है, 180 हो गया था बच्चों, 153, 3 में 20 में 120 में 50 ऐड करेंगे, 170, 170 + 99, 170 + 99 -84, ये आपका ये आ जाएगा। अब 84 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, 9 और 6 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 15। अब इसमें 15 ऐड करेंगे तो 15 कैसे ऐड करेंगे बच्चों, 5 हो जाएगा, 53 यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 ऐड करने पर। देखो ध्यान से यहाँ को, इसको आप कैलकुलेट कर लेना बच्चों, इसकी वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका -99 किलो कैलोरी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर +99 होगा तो आंसर मैंने बता दिया कैसे होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लैटाइस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया था इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, विच वन ऑफ द, देखना यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, ए ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, के प्लस एक्वस, Na+ एक्वस और Li+ एक्वस, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक आपको दिया हुआ है B ऑप्शन, Na+ एक्वस, K+ एक्वस, Li+ एक्वस, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, C ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर K+ एक्वस, Li+ एक्वस और Na+ एक्वस। ठीक है, C ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और आपका D ऑप्शन क्या दिया हुआ है, D ऑप्शन ध्यान से समझना, D ऑप्शन Li+ एक्वस, Na+ एक्वस और K+ एक्वस। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, जनरली आप लोग इस क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे, इस क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक करोगे, ये क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा है तो आप समझ सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप जनरली मिस्टेक करने की
जनरली आप लोग मिस्टेक करोगे, आप लोग क्या करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन देख के अरेंज द इंक्रीजिंग राइट, यही तो आप लोग सोचोगे कि अगर मैं डाउन टू ग्रुप जाऊंगा तो डाउन टू ग्रुप जाऊंगा तो बच्चों आपका रेडियाई टॉप टू बॉटम आपका क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो आपका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा, और एटॉमिक रेडियाई के साथ साथ आपका आयोनिक रेडियाई भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो आप लोग क्या करोगे ये क्वेश्चन ये ऑप्शन को करेक्ट मारोगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत होगा। क्यों होगा बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर मुझे स्टेट कुछ दिया हुआ है बच्चों, एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट का मतलब है कि हाइड्रेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड है बच्चों। अब आप लोग जानते हो कि आप लोग जानते हो बच्चों कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बहुत ही प्यार से बताया था बच्चों कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू अपॉन आर नोट, और यहाँ पर आपका ये क्यू अपॉन आर प्लस और क्यू प्लस, या फिर आपका यहाँ पर क्यू माइनस आर माइनस, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब बात को मुद्दे की बात ये है कि जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ, टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ, या फिर मैं बॉटम टू टॉप में मूव करता हूँ, तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ता है, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ता है, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ता है, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ आपका चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगा। चार्ज डेंसिटी क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी, क्योंकि मैं जब इसी ग्रुप में नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ के प्लस, एन ए प्लस और एल आई प्लस, आप देख सकते हो कि तीनों पर चार्ज सिमिलर है लेकिन रेडियाई अलग अलग है। तो रेडियाई जिसका छोटा होगा उसका आपका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, काफ़ी ईजी है। अब ऊपर जाएंगे तो आपका चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्यों ऐसा हो रहा है देखना ध्यान से। मैंने आपको बताया था लिथियम अगर जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उसके पास H2O मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा आएंगे, जितने ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उसके पास H2O मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा आएंगे, जितने ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल आएंगे तो मतलब एक तो मैंने लिथियम बनाया, एक मैं पोटेशियम बनाता हूँ, पोटेशियम के पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो H2O मॉलिक्यूल कम आएंगे, चार्ज डेंसिटी कम होगा तो H2O मॉलिक्यूल कम आएंगे, और H2O मॉलिक्यूल कम आएंगे तो इसका मतलब इसका जो हाइड्रेशन रेडियाई होगा, इसका जो हाइड्रेशन रेडियाई होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका हाइड्रेशन रेडियाई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब एक्वस स्टेट का मतलब मुझसे पूछा गया है हाइड्रेशन रेडियाई के बारे में, किसके बारे में पूछा गया, हाइड्रेशन रेडियाई। आप देखो हाइड्रेशन रेडियाई आपका किसका ज्यादा होगा, लिथियम का, लिथियम के बाद चार्ज डेंसिटी किसमें मैक्सिमम है, एनए में, तो एनए का ज्यादा, उसके बाद आपका किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम का सबसे कम, तो आपका क्या आएगा आंसर, करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के आपको और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे बच्चों, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को, हम लोगों को क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, या फिर एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले सकता हूँ बच्चों जो कि काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 आयन इज लेसर देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ, ठीक है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एल एल्यूमिनियम प्लस थ्री, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको एन ए प्लस, सी सॉरी बी बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है Be+2, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको Na+, और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आप समझना बच्चों कि
कि हाइड्रेशन रेडी है। अब देखो मैं आपका यहाँ पर फिर से मैं अरेंज करता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल मैं अरेंज करूँगा तो Be+2 ऊपर आएगा, देन आफ्टर Mg+2, देन आफ्टर Al+3, ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर आपका Na, ठीक है, Fe+1। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगा तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी इसका बढ़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला अभी अभी कि जब मेरा चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब मेरा हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा आपका किसका होगा, एल्यूमिनियम का आपका किससे कम, मैग्नीशियम का आपका किससे कम होगा, एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम का आपका किससे कम होगा बच्चों, एल्यूमिनियम से कम होगा, क्योंकि इसका जो होगा बच्चों, इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, चार्ज के। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होने की वजह से जहाँ पर इसका रेडियाई भी छोटा है और चार्ज भी छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और छोटी आ जाएगी, और छोटी वैल्यू आने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी आपका इससे कम होगा Mg का, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो सकता है तो बच्चों आप मुझसे आज भी पूछ सकते हो। ये कुछ स्पेशल कॉल क्वेश्चन थे जो आपको बार 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 करने चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।